ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ और BSoD इन्हीं नामों से जाना जाता है इस एरर को। जो लोग इस एरर के बारे में नहीं जानते कसम से हल्ला मचाकर रख देते हैं, इतना डरते हैं कि पूछो मत। देखो यार, परेशान होने की बात तो है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसके बारे में नहीं जानते, अब आप बिल्कुल राइट वीडियो पर हैं। अब थोड़ा चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को बीच में क्विट मत कीजिए, वरना आप नहीं सीख पाएंगे कि ब्लू स्क्रीन को कैसे परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है। इस वीडियो में पूरी तरह से ब्लू स्क्रीन पर ही बात होगी। इसे कैसे आपके लैपटॉप से परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चांसेस ये हैं कि आपके ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिलते रहें। फ्यूचर में भी मैं आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। नमस्कार, मैं हूँ एक IT प्रोफेशनल, मेरा नाम है अरुण कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। ब्लू स्क्रीन बेसिकली आपके लैपटॉप में तब आती है जब आपकी विंडोज़ कुछ ऐसे एरर को डिटेक्ट करती है जिसे वो सॉल्व नहीं कर पाती है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। इस वजह से ही आपको आपके लैपटॉप पर ब्लू स्क्रीन दिखाई देती है। ये होता है किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के क्रैश हो जाने की वजह से। ज्यादातर चांसेस में ये किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की वजह से ही होता है। अब यहां पर कोई ऐसा फिक्स रीजन नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि इस वजह से ब्लू स्क्रीन आपके लैपटॉप में आती है, बल्कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रीज़न है कि जिस वजह से आपके लैपटॉप में ब्लू स्क्रीन आ जाती है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने जब उसने अपनी फर्स्ट विंडोज़ डेवलप की थी, तब से लेकर के विंडोज़ 10 तक उसने अपनी विंडोज़ में कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, जैसे ही विंडोज़ किसी एरर को डिटेक्ट करती है तो वो आपको ब्लू स्क्रीन दिखाने लगती है। इससे बेसिकली होता क्या है कि यूज़र का जो अटेंशन है वो पूरी तरह से उसके लैपटॉप या कंप्यूटर की तरफ चला जाता है और वो उस एरर को देखता है, जिससे कि वो उस एरर को फाइंड करने की कोशिश करता है और उस एरर को दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, ब्लू स्क्रीन बेसिकली आपको इसलिए दिखाई देती है ताकि आपके लैपटॉप में कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, उससे ही पहले आप अपने लैपटॉप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर विंडोज़ भी ऑटोमेटिकली ट्रबल शूट करना जानती है, वो इस एरर को दूर करने की कोशिश करती है, और 90% केसेस में ब्लू स्क्रीन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है आपके लैपटॉप से। आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर प्रॉब्लम आई होती है उसे ट्रबल शूट करता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, वो इतना कैपेबल है कि आपके सिस्टम से एरर को निकाल सकता है और कभी कभी नहीं भी निकाल पाता है। दोस्तों, ज्यादातर केसेस में ब्लू स्क्रीन एरर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी विंडोज जो है उसे ठीक कर देती है। और अगर आपकी स्क्रीन जो आपकी स्क्रीन से अगर ब्लू स्क्रीन रिमूव नहीं हो रही है, वहां पर एक एरर कोड दिखाई दे रहा है, तो आप बेसिकली कर क्या सकते हैं, आप अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कीजिए और उस स्क्रीन को कैप्चर कर लीजिए, जिससे कि एरर कोड आपके पास आ जाएगा। और इस एरर कोड को आप गूगल पर सर्च कीजिए, फाइंड कीजिए कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं और क्या आप कर सकते हैं इस एरर कोड के आने के बाद, आपके लैपटॉप में क्या पॉसिबल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एरर कोड जनरेट करती है ब्लू स्क्रीन। अब यहाँ पर मुझे भी नहीं पता कि आपके स्क्रीन पर क्या ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस एरर को इंटरनेट पर सर्च करेंगे, तभी आप एग्जैक्टली पता लगा पाएंगे कि आपके लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है। लैपटॉप मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि ब्लू स्क्रीन आ रही है वो किस वजह से आ रही है। एरर कोड आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, एरर कोड ऐसा भी आपको दिख सकता है। अब यहां पर कुछ लोग विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए कह रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए, विंडोज रीइंस्टॉल करने से सॉफ्टवेयर रिलेटेड अगर इशू होगा उसकी वजह से ब्लू स्क्रीन आ रही होगी तब तो सॉल्व हो जाएगी, और अगर सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं आ रही होगी, हार्डवेयर की वजह से आ रही होगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दोस्तों, 99% चांसेस हैं कि गूगल से आपको आपकी ब्लू स्क्रीन के एरर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है। और अगर उसके बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आपको समझ में नहीं आता है कि ब्लू स्क्रीन ये जो आ रही है ये किस वजह से आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपके लैपटॉप में ब्लू स्क्रीन क्यों आ रही है और आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और अचानक से ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है, तो फिर पॉसिबिलिटी ये है कि कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है, इसी वजह से ये ब्लू स्क्रीन एरर आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप जो है सिस्टम रिस्टोर की हेल्प लीजिए। सिस्टम रिस्टोर में जाने के बाद आप अपने सिस्टम को रिस्टोर कर पाएंगे और प्रीवियस स्टेट में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपका जो सिस्टम है वो पूरी तरह से सही से काम कर रहा था, और आप समझ जाइए कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी जो कि अब सॉल्व हो चुकी है। दूसरे सॉल्यूशन में आप किसी अच्छे एंटीवायरस प्रोग्राम से अपने सिस्टम को स्कैन कीजिए। हो सकता है आपके सिस्टम में कोई मेलवेयर आ गया हो जिस वजह से आपके सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो। देखिए, मेलवेयर बेसिकली क्या करता है, बेसिकली ये आपके विंडोज़ को डीपली पेनिट्रेट करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को डीपली पेनिट्रेट करता है। वहाँ जाकर आप जानते होंगे कि आपने सुना होगा कि एक कर्नल कोड्स होते हैं आपके विंडोज़ में,
जो कि कर्नल फाइल से जो मेलवेयर है वो खुद को अटैच कर लेता है विंडोज़ की, हुक कर लेता है अपने आप को कर्नल फाइल से, और उस वजह से वो कुछ कर्नल फाइल्स जो हैं वो करप्ट हो जाती हैं या वो लोड नहीं हो पाती हैं पूरी तरह से, जिस वजह से ये एरर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, हो सकता है आपके सिस्टम के ड्राइवर्स करप्ट हो गए हों और उन्हें अपडेट करने की ज़रूरत हो। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा ड्राइवर पैक सोल्यूशन का, यहाँ से आप अपने ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि ड्राइवर पैक सोल्यूशन को कैसे यूज़ किया जाता है या फिर सही से कैसे यूज़ करना चाहिए, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ड्राइवर्स अपडेट करने के बाद चांसेस हैं कि आपकी ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑल टाइम ब्लू स्क्रीन शो करता रहता है, आपके सिस्टम की ब्लू स्क्रीन रिमूव होती ही नहीं है एक बार को भी, तब आप अपने सिस्टम को सेफ मोड में बूट करके देखें। अगर आपका सिस्टम सक्सेसफुली बूट हो जाता है तो फिर समझ जाइए सिस्टम के जो ड्राइवर्स हैं उनमें प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप अपनी विंडोज़ को सेफ मोड में रन करते हैं उस मोमेंट पे विंडोज़ सिर्फ एसेंशियल ड्राइवर्स को ही लोड करती है, आलतू फालतू किसी भी ड्राइवर को लोड नहीं करती है। तो फिर अगर कुछ ड्राइवर्स में प्रॉब्लम होगी तो ही आपको जो है सेफ मोड में आपको ब्लू स्क्रीन दिखाई देगी, अदरवाइज़ अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तब आपको जो है ब्लू स्क्रीन वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। और अगर सेफ मोड में भी रन करने के बाद आपको ब्लू स्क्रीन दिखाई दे जाती है, तब आपको अपने विंडोज़ को रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ड्राइवर्स को, सारे जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत है, तभी आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। सिस्टम हार्डवेयर्स को भी चेक कर लें, हो सकता है ये कोई हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपकी कोई डिवाइस वगैरह हिल गई हो सकता है आपका जो है हार्ड डिस्क हिल गया हो, इस वजह से ये इशू आपको आ रहा हो। लैपटॉप में भी ऐसा हो सकता है, डेस्कटॉप में भी ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है रिसेंटली आपने कोई पेन ड्राइव लगाई हो नई वाली, या हो सकता है कोई आपने वाईफाई डिवाइस लगाई हो, या हो सकता है आपने कोई ब्लूटूथ का डोंगल लगाया हो, जिस वजह से ये एरर आ रहा हो। तो आप जो है पहले उस डिवाइस या डोंगल को रिमूव कर दीजिए अपने लैपटॉप से या फिर अपने डेस्कटॉप से, उसके बाद हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करके देखिए, अगर ब्लू स्क्रीन हट जाती है तो इशू उस डिवाइस की वजह से ही आ रहा था, तो फिर उस डिवाइस को किसी और कंप्यूटर में लगा कर देखिए, उसमें चेक करके देखिए कि ब्लू स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही है, या फिर हो सकती है आपकी जो डिवाइस है उसमें कुछ खराबी हो जिस वजह से आपको वो आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ब्लू स्क्रीन जनरेट करके दे रहा हो। ये सब करने के बाद भी अगर आपके सिस्टम से ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो आप अपनी विंडोज़ को एक बार अनइंस्टॉल करके देखिए। और दोस्तों, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर कोई हार्डवेयर से प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लेकर के आप किसी टेक्नीशियन से मिल सकते हैं, वो आपकी बेहतर हेल्प करेगा इस संबंध में। और आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं भी आपको बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में। और दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाई है, तो यार इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। आपकी सभी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं इस चैनल से। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, ये चैनल आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाया गया है। और दोस्तों, अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करूंगा। दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।